This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबका ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के लेक्चर नंबर 14 में, जो कि फ्रीलांसिंग के टॉपिक पे है, इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल है, तो आप लोग लेक्चर के स्टार्ट में ही पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल है तो पूछ लो आप लोग। जी, कोई सवाल नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को, ठीक है ठीक, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो बताया कि आपने कैसे गिग को एनालाइज करना है, कैसे आपने बाकी लोगों की सर्विस को देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस किस तरह की सर्विस फाइवर पे सेल हो रही है, किस तरह से आप काम बेसिकली कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, ये है। ठीक है, प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करने का मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, कि कैसे आपने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल सके। अपनी नीच में स्पेसिफिक रहना है, ज़्यादा बेहतर यही होता है। वैसे तो कोई भी आप यूज़र नेम रख लो, आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। मगर प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है उसको आपने बरकरार रखना है। जैसे कि मेरा यूजर नेम है, मैंने डीपी जो है अपनी सर्विस से रिलेटेड लगानी है। ठीक है, फोन नंबर से अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना, मैसेजेस पे खास नजर मैंने रखनी है अकाउंट यूपी सर्विस स्टार्ट करने के बाद।
आपके जो आप इस तरह अपने अकाउंट ऐसे करोगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। स्किल्स जो है, जो जो स्किल आपके पास है जिससे रिलेटेड आपका अकाउंट है फाइवर का जो आपने बनाया, वो यहाँ पर आप जरूर ऐड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, जस्ट एसईओ का वर्ड भी यूज किया है, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस, और जो है सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं डाल सकता हूँ इसमें। मतलब आप जो जो सर्विसेज हम दे सकते हैं, बट अपने नीच के अंदर रहते हुए, अपने टॉपिक के अंदर रहते हुए, अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए, हमने वो यहाँ पर एड न्यू पे जाके हमने ऐड करना है, अकाउंट्स को लिंक करना है, जो जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, जो जो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ये यानी कि आपने अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करना है, आपने अपने एक्सपीरियंस को बेसिकली एक्सप्लेन करना है, अपने बारे में बताना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो आपके क्लाइंट के ऊपर जाता है, जिसके बाद वो आपकी सर्विसेज और उसके बाद वो आपके प्राइस को देखता है और आइडिया लगाता है कि आपके सर्विस को ऑर्डर उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपका अप टू डेट होना चाहिए। इस चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सारा। जो आपकी कंट्री है, पाकिस्तान से पर मैं हूँ, तो मैंने पाकिस्तान यहाँ पर मेरा आ रहा है प्रोफाइल के अंदर। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि यूएसए के हो या आप कनाडा के हो, तो तब आप बात नहीं है। और लोग देखते हैं कि जहां से उनको काम की क्वालिटी मिलती है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन क्यों ना हो, तो वो चाहे वो यूएई से क्यों ना हो, वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर करने वाला कहीं का भी हो सकता है। तो ये अब मतलब ये नहीं देखा जाता कि सेम कंट्री से होगा बंदा तो उसको ऑर्डर किया जाए। अच्छी सर्विस देने वाला बंदा, टॉप रेटेड सेलर जो होता है या लेवल टू सेलर जो होता है, उनको ज्यादा ऑर्डर इसी वजह से मिलते हैं कि यहाँ पर लोग आके सर्विस को देखते हैं कि सर्विस कौन ज्यादा अच्छी, यहाँ दे रहे रिव्यूज किसके ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सारी चीजें कैलकुलेट या कह लो कि काउंट होती है, देन आपको ऑर्डर आ रहा होता है। उसके बाद तो सर्विस स्टार्ट करनी है, वो क्रिएट न्यू गिग पे आके हमने अपनी सर्विस स्टार्ट कर देनी है। अब बिल्कुल बेसिक
एक सर्विस की बहुत ज्यादा डिमांड है, इंस्टॉल इंस्टॉल ये बिल्कुल बेसिक आप लोगों को मैंने सर्विस बताई हैं जो अभी तक आप लोगों को सिखाया है मैंने, ये वो बेसिक सर्विसेज हैं जो आप लोग दे सकते हो। अभी इसके बाद एक एडवांस सर्विस है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आई थिंक अभी योर गेस्ट गोज ऑन माय अथॉरिटी ब्लॉग इन कलर फाइव आप दोगे और एक्चुअल में आप 15 से लेके $25 तक चार्ज करोगे पर पोस्ट। उसमें आप ये कहोगे कि आर्टिकल अपने राइटर को, एक राइटर हायर कर लोगे और आर्टिकल लिखवा कर दोगे उस बंदे की वेबसाइट या उस बंदे की जो जो भी आप यानी कि ऑर्डर कर रहे हैं उस क्लाइंट की गिवन कीवर्ड्स कीवर्ड पे, और कीवर्ड अगर वो नहीं देता जस्ट वेबसाइट का यूआरएल देता है तो उस वेबसाइट के यूआरएल से उसकी नीच आइडेंटिफाई करके और एक टॉपिक निकाल के राइटर से लिखवा के आपने गेस्ट होस्टिंग की सर्विस देनी है। मींस कि मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा अपकमिंग लेक्चर में, लाइक ये जो थर्ड मंथ स्टार्ट होता है उसमें गेस्ट होस्टिंग सिखाई जाती है, तो जब सिखाऊंगा तो ये फाइवर पे आप ये सर्विस दोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और SEO की इसके में हम सर्विस दे रहे हैं तो मोस्टली जो आपकी सर्विसेज होंगी आपके अकाउंट के अंदर वो SEO से रिलेटेड होंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सारा? ये तो हो गया आइडिया के लिए कि आप लोग क्या क्या सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आया हूँ क्रिएट गिग पे और ये स्क्रीन पर है, डिजिटल मार्केट। अच्छा मैं यहाँ से ऐसे नहीं करूँ डायरेक्टली आ गया, मैं ये भी देखूंगा कि और लोग जो मेरे जो मैं सर्विस स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड और लोग जो काम कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में जो है वो सर्विस को चला रहे हैं, ये चीज एनालाइज करनी। मैं यहाँ पर मतलब मैं कुछ और बनता था और फाइबर दूसरे ब्राउजर ओपन करके मैं जो सर्विस सेल कर एसईओ की मैं उनको याद देता हूँ।
इस साल सो जाए करने देखना है क्या आप अपने डिस्क्रिप्शन में बायो में दे रहे हैं क्लाइंट को, क्या किस तरह के हैशटैग लगाए हुए हैं, सारी चीजें आप देखोगे तो आपको जैसे जैसे जवाब मिल जाएगा आप अपने ऑर्डर ऑर्डर की तरफ पहुंचते जाओगे। तो आप जी ये भी ओपन हो जाए, स्पीड बहुत स्लो है। कई बार काम ही नहीं कर रहा है।
जो टैक्स का आइडिया है वो हमें हमारे कंपेटिटर से इजीली मिल जाता है, ठीक है, वहां से भी देखेंगे। उमर, मैं गेस्ट पोस्टिंग की ना लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट होती है ना। तो जिसकी साइट होगी उसको $3 देंगे और बाकी जितना भी जितनी अर्निंग होगी वो आपकी होगी ना। फोर डेज एंड 5 days, ओके। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के हम 1 दिन में देंगे $5 बढ़ा देंगे, 1 दिन में देंगे $10 बढ़ा देंगे, 1 दिन में देंगे $15, ठीक है। इस तरह हम पैसे अपने बढ़ाते हैं। गेस्ट पोस्ट का पूरा इसमें एक सेटअप है। अच्छा, ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, यानी कि हम ये है, इसको बोलते हैं अपनी जबान में, इसको बोलता हूँ पिच एरिया। यहाँ से आपका जो क्लाइंट है वो कन्वर्ट होता है, यानी जो डिस्क्रिप्शन आपकी गिग की उसको पढ़ता है, वो देखता है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं हम क्या उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। ये वही चीज है जिसे कॉपी राइटिंग भी बोलते हैं, ये वही चीज है जिसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ये वही चीज है जिसको जो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट के फीचर्स जहाँ बताए जाते हैं ताकि कस्टमर सोचे उसने बाय करना है या नहीं करना है, ये वही एरिया है, ये वही कह लो कि पॉइंट है जिसको आपने ध्यान जिस पे आपने बेसिकली ध्यान रखना है। मैंने ये ओपन करके ये गेस्ट पोस्ट दे रहा है, यूके की वेबसाइट है, DR डोमेन रेटिंग, AHRF की डोमेन रेटिंग जो है 55 है, गूगल न्यूज अप्रूव साइट है ये, और ये दे रहा है बेसिक 11,354 रुपये में, स्टैंडर्ड 13,100, प्रीमियम 25,000 में, ठीक है। अच्छा, ये यानी कि इस तरह से पैकेज दे रहा है। दो ऑर्डर इसके क्यू में लगे हुए, यानी कि दो ऑर्डर इसको मजीद मिले हैं, 3 ये कम्प्लीट कर चुका है, 5-स्टार रेटिंग है। ये मोहम्मद मैड मदसबान के नाम से है, ठीक है। ये इसने गिग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए या कह लोगे डेमो के लिए ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, मैं जस्ट बता रहा हूँ, या आप लोग ये खुद लिखोगे या आप राइटर से लिखवाओगे, ठीक है। इस तरह से ये हम इसको इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद बायर से क्या लेना है, काइंडली सेंड अस योर आर्टिकल इफ यू ऑर्डर बेसिक सर्विस, इफ
UK article, just send us your keyword and website URL. Answer is mandatory. उसको आप अनचेक भी कर सकते हो, मगर चेक रहना जरूरी है. अगर अनचेक कर देंगे तो क्या होगा कि अगर हमारा जो बायर है उसने डिटेल हमें ना दी तो ये ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, और नुकसान ये होता है कि ऑर्डर स्टार्ट हो जाए और हमारे पास प्रॉपर मालूमात ही ना आई हो कि हमने ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, तो वो हमारा अकाउंट ख़राब हो जाता है. यानी कि इस पर क्विक रिस्पॉन्स देना फाइवर पे बहुत ज़रूरी है. तो इसको आंसर मैंडेटरी हम करते हैं. ऐड पे क्लिक कर दिया, ऐड हो गया, सेव एंड कंटिन्यू. अब आ जाता है फाइनल स्टेज के यूज़र की अटेंशन हासिल करना. वो हम करते हैं या वीडियो ऐड करके, या फोटो ऐड करके, या PDF ऐड करके. ठीक है, हम वीडियो, अगर आप वीडियो बनाते हो तो 30 सेकंड से ज़्यादा की नहीं बनानी. आप जो इमेज बनाते हो वो 550x370 की होनी चाहिए. इजीली आप कैनवा में बना सकते हो, canva.com है इमेज. ठीक है, और आपने ऐसी इमेज बनानी है कैनवा में जो आंखों को चुभे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस सर्विस की मिसाल देता हूँ कि मुझे वो वाली फाइवर की सर्विस ज़्यादा जल्दी नज़र आएगी जिसमें बैकग्राउंड चुभने वाला होगा या कैची होगा. ठीक है, लाइक येलो देखो एकदम से आंखों को चुभ रहा है, और मैं इसको फौरन पढ़ने की कोशिश करूँगा कि एकदम से अटेंशन मेरा ले रहा है, तो मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा पढ़ने की. ये अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीकाकार है कि आप ऐसी इमेज या ऐसा बैकग्राउंड यूज़ करो जो चुभने वाला हो. यहाँ पर कस्टम कस्टम डायमेंशन 550 370 ऐसे ही था. फाइवर के लिए इमेज चाहिए 550 370. इधर हमने अपनी मर्जी के साइज की इमेज बना ली, अट्रैक्टिव सी इमेज बनानी है हमने, और उसको हमने अपनी फाइवर गिग पे लगा देना है. ये इमेज जो है डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड ठीक है. अच्छा, उसके बाद फोटो पे ब्राउज पे क्लिक किया, इमेज अपलोड किसी है? ये हमने फाइवर पे जो अपनी सर्विस स्टार्ट करनी जिसे गिग बोलते हैं उसका तरीकाकार है, प्रॉपर तरीकाकार है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैंने समझा दिया है. फाइवर पे ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए जहन में रखना है आपने, फाइवर पे हर वक्त आपने 24 घंटे आपने ऑनलाइन रहना है. जो भी मैसेज आपको आएगा मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई करना है. ठीक है, और इसके अलावा आपने ये जहन में रखना है बात कि क्लाइंट के साथ रूड बिहेव नहीं करना, सर्विस को वक्त से पहले डिलीवर करना है, और जो है वही सर्विस देनी है जो आप जिस पे आपका हाथ सीधा हो. फाइवर पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हफ्ता 10-15 दिन में नेचुरल ऑर्डर नहीं मिलते, तो इस पे एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि आप जो है अपने किसी जान पहचान वाले को पेमेंट करके और उसको कहते हो कि यार अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ऑर्डर कर दे. इस तरह आप जब 2-3 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर किसी जान पहचान वाले से ले लेते हो, बट अलग अलग आईडी से ले लेते हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू आ जाते हैं और लोग फिर उनको ऑर्डर करते हैं जिसकी प्रोफाइल पे रिव्यू होते हैं, और आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फाइबर को
ये लगेगा लगता है बेसिकली कि ये जो है सर्विस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब तक आपको रिव्यू नहीं मिलता, जब तक आप ये काम नहीं करते, स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते, बाज वक्त आपको ऑर्डर नहीं आते, तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। इसको आप ब्लैक हैट भी कह सकते हो, क्योंकि फाइवर ये चीज़ फाइवर के टर्म्स का ये चीज़ अगेंस्ट है कि आप खुद से रिव्यू लो या खुद से ऑर्डर लो। हाँ, आप क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पे ढूंढो, उसको कहो कि मुझे ऑर्डर फाइवर पे करो, ये नेचुरल वे है, ठीक है। आप उसको जो है उसकी प्रॉपर SEO करो, अपने जो आपकी सर्विस है फाइवर पे जो आप दे रहे हो उस गिग की सेटिंग करो प्रॉपर, तो आपको सर्च इंजन से भी ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। आप जो है वो मुख्तलिफ जगह पे वीडियोस पब्लिश करो और वहाँ पे अपना फाइवर का लिंक दे दो, सर्विस का लिंक दे दो, आपको नेचुरल वे में ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। ये ऑर्डर लेने के मुख्तलिफ और ऑर्गेनिक और जेन्युइन तरीकेकार है। इसी तरह से अकाउंटों को ग्रो किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह।